पाठ दिन आज्ञाकारता उड़ा आओ परिवार बारे जानिए। परिवार समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। इसनू टब्बर भी कहा जाता है। परिवार छोटा अते वड्डा दोनों प्रकार के होंदे हन, पिता जी माता जी भैन भरा। यह छोटा परिवार है। पिता जी माता जी भैन भरा दादा जी दादी जी यह सांझा परिवार है। पिता जी माता जी भैन भरा दादा जी दादी जी चाचा जी चाची जी ताया जी ताई जी यह वड्डा परिवार है। ऐड़ा आज्ञाकारी किवें बनीए। असी अपने माता पिता का आदर अते उन्हां दियां कई गल्लां दा सत्कार करन करके आज्ञाकारी बनते हाँ। बहस ना करना। बच्चों सानू कदे भी वड्डियां नाल बहस नहीं करनी चाहीदी। काम विच ध्यान देना। बच्चों घर दा स्कूल दा कोई भी काम होवे सानू ध्यान नाल करना चाहीदा है। गलती लई माफी मंगना। बच्चों जेकर साडे तो कोई भुल हो जावे तो सानू अपनी गलती दी माफी मांग लेनी चाहीदी है अते अग्गे तो वो गलती नहीं दोहरानी चाहीदी। वड्डियां दा सत्कार करना। बच्चों परिवार विच सानू वड्डियां दा जां बजुर्गां दा सत्कार करना चाहीदा है। माता पिता दी सेवा करना। बच्चों सानू घरेलू कम्मां विच अपने माता पिता नू सहयोग देना चाहीदा है। गल ध्यान नाल सुनना। वड्डियां दी हर गल नू बच्चों ध्यान नाल सुनना चाहीदा है। क्रिया दो अध्यापक दा आज्ञाकारी होना। गल ध्यान नाल सुनना। काम समय सिर करना। अध्यापक नू सत्कार देना। अनुशासन रखना। अपनी जिम्मेवारी नू समझना। कानून दा आज्ञाकारी होना। अनुशासन विच रहना। नियमां दी पालना। सहयोग देना। गलत आंसरां तों दूर रहना। कानून प्रति सन्मान। मापिया दा आज्ञाकारी होना। बहस ना करना। वड्डियां दा सत्कार। गल ध्यान नाल सुनना। गलती लई माफी मंगना। माता पिता दी सेवा करना। समाज दा आज्ञाकारी होना। किसे नाल बहस ना करना। वड्डियां दा आदर करना। छोटियां नू अगवाई देना। सांझे कम्मां विच साथ देना। माड़े अंसरां तों दूरी। आओ कहानी राहीं समझिए। एक पिंड विच गोपाल नां दा लड़का रहिंदा सी। ओह अपने माता पिता दा आज्ञाकारी बच्चा सी। ओ जो भी कहिंदे गोपाल हर काम खुशी खुशी करदा सी। पिंड दे होर माता पिता भी अपने बच्चियां नूं गोपाल दियां उदाहरणां दिंदे सन। समा बीतदा गया। गोपाल हुण वड्डा हो चुका सी। गोपाल दे माता पिता इकलौता होण कारण उस नूं किसे चीज़ दी कमी नहीं रहन दिंदे सन। खाण लई वधिया खाना, मठियाईयां, सुक्के मेवे, फल, पहनण लई कीमती कपड़े, खेडण लई तरह तरह दे खिडौने। समें ने गेड़ा पलटिया। गोपाल बुरी संगत विच पै गया। पिता दी मेहनत दी कमाई नूं उसने अपने दोस्तां नाल मिल के नशियां उत्ते खर्च करना शुरू कर दिता। मापियां नूं इस सब दा पता लगा तां बड़ी चिंता हुई। ओह पैसे खत्म होण दे फिकर नूं छड के अपने बच्चे दी जान बचाउण ते उस नूं सही रस्ते उपर लियाउण दीआं तरकीबां सोचण लगे। गोपाल नूं सेब बहुत पसंद सन। उस दे पिता नूं एक स्कीम सुझी। उसने सेबां दी टोकरी लिया के गोपाल दी अलमारी विच रख दित्ती ते एक गलिया सेब भी सेबां दे विच रख दित्ता। काफी दिनां बाद गोपाल ने अलमारी विच सेबां दे सड़न दी बदबू नूं महसूस कीता अते अलमारी खोल के देखी तां सारे सेब खराब हो चुके सन। इस दौरान उसदे माता पिता भी उत्थे आ गए। पिता ने समझाया कि सेब खाने तां की सी। उसने अपनी अलमारी विच सेबां दी टोकरी वल वेख्या भी नहीं। गोपाल समय सिर वेख लैंदा खा लैंदा तां सारे सेब खराब नहीं सन होने। गले सेब नूं बाहर कढ़िया जा सकता सी। माता पिता दियां अखां विच हंजू वग रहे सन। उन्हां ने कहा कि गोपाल उन्हां दा इकलौता पुत्तर है। ओह उस नूं गुआना नहीं चाहुंदे।
ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੌਲਤ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਗਲਤ ਕੂੜਾ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗਲਤ ਐੜਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਈੜੀ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਸੱਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਹਾਹਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨਣਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ ਕੂੜਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕ ਦੇ ਡੈਸ਼ ਹੱਥ ਚੱਲੋ। ਖੱਬੇ ਐੜਾ, ਡੈਸ਼ ਬੱਤੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਈੜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਮਹੱਤਵ ਸੱਸਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹਾਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕੱਕਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਡੈਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।